हेलो गाइस, तो आज हम सीखने वाले हैं कि HTML और CSS की मदद से किसी भी वेबसाइट के बैकग्राउंड में वीडियो को किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक वेबसाइट छोटी सी लिंक बना करके रखी है। सिंपली मैंने यहाँ पे एक वीडियो लेकर के रखा है, अब इसे किस तरीके से ऐड कर सकते हैं नॉर्मली हम ये देखेंगे। मैंने यहाँ पे एक HTML की फाइल लेकर के रखी है, जिसे CSS की फाइल से अटैच कर लिया है। तो सिंपली मैं यहाँ पे बॉडी के अंदर एक डिव क्लास ले लेंगे। मैंने यहाँ पे एक डिव क्लास ले ली और यहाँ पे मैं इसे कुछ भी लाइक नाम दे देती हूँ, क्लास नेम दे देती हूँ, और साथ में मैं यहाँ पे एक और जो भी आप नेविगेशन रखना चाहते हैं हम नेविगेशन रख लेंगे, लेकिन इसके पहले जो CSS होती है CSS अप्लाई कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे पूरी फाइल में CSS अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने सिंपली कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, और जो भी इसकी मार्जिन पैडिंग वगैरह होती है आपको वो ले लेनी है। मैं यहाँ पे जीरो वैल्यू रखूंगी सबकी। मैं यहाँ पे पैडिंग ले लेती हूँ, इसकी भी जीरो वैल्यू रखी, और जो भी आपको बॉक्स साइजिंग वगैरह लेना है नॉर्मल चीज़ है, आप अपने हिसाब से जो कुछ भी आपको यहाँ पे रखना है आप वो रख सकते हो। मैंने यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स दे दिया है। उसके बाद में जो भी आपको फॉन्ट फैमिली रखनी है हम इसकी फॉन्ट फैमिली रख देंगे। भी वैल्यूज में भी प्रॉपर्टीज हम यहाँ पे लगा देंगे। सिंपली यहाँ पे मैंने ले लिया हीरो, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया है, और जो भी इसकी आपको विड्थ वगैरह रखनी है हम इसकी विड्थ सेट कर देंगे। इसका जो भी रिजल्ट रहेगा हम रिजल्ट एक साइड में शो करते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर किया तो जो आपका रिजल्ट है कुछ इस तरीके से फिलहाल दिख रहा है, एकदम खाली एकदम ब्लैंक है यहाँ पे। ओके, तो मैं यहाँ पे विड्थ के बाद में जो भी इसकी हाइट आपको सेट करनी है मैं इसकी हाइट यहाँ पे सेट कर दूंगी। बैकग्राउंड का कलर यहाँ पे लेक सेट कर देते हैं। ओके, तो नॉर्मली जो मुझे यहाँ पे कलर लेना था मैंने RGB की मदद से इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर लिया है। आपको पोजीशन यहाँ पे रखनी कि आपको कहाँ पे अपने में भी जो भी आप बना रहे हो उस चीज़ को कहाँ पे रखनी है, तो मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन जो होती है उसे सेट कर दिया, रिलेटिव कर दी पोजीशन। उसके बाद में जो भी इसकी पैडिंग रहती है आप अपने हिसाब से पैडिंग सेट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसकी पैडिंग ले लूँगी। उसके बाद में जो इसकी डिस्प्ले रहती है मैं इसकी जो डिस्प्ले रहेगी उससे सेट कर दूंगी। सिंपली मैं यहाँ पे फ्लैक्स रखेंगे, नॉर्मली फ्लैक्स ही रखनी चाहिए जो डिस्प्ले रहती है। उसके बाद अलाइन आइटम हमने यहाँ पे किया। यहाँ पे मैं अलाइन आइटम में भी सेंटर में रख लेते हैं। उसके बाद में नॉर्मली जो भी आपको जस्टिफाई करना है कंटेंट करना है तो उसे कहाँ रखना है नॉर्मली, मैं यहाँ पे इसे जस्टिफाई कंटेंट जो रहता है हम यहाँ पे रख देंगे सेंटर में, इसे भी सेंटर कर देते हैं। ओके, तो जो मैंने यहाँ पे हीरो इस डिव क्लास के अंदर लिख जो कुछ भी लेकर के रखा है उसमें एक मे बी हम लिस्ट बना लेते हैं, और जो भी आपको इमेज वगैरह लोगो वगैरह एक वेबसाइट को बनाने के लिए लेनी है हम वो ले लेंगे। सिंपली देखा जाए तो मैं यहाँ पे एक नेविगेशन बार ले लेती हूँ। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक इमेज ले लेती हूँ, मे भी हम इमेज ले लेंगे, और जो भी आपका इमेज का मे भी फॉर्मेट है, मेरे पास यहाँ पे लोगो नाम की एक इमेज रखी थी तो मैंने यहाँ पे लोगो ले लिया है। साथ में जो भी आपका इसका टाइप रहेगा हम इसका टाइप दे सकते हैं, या फिर जो भी आपको इसको क्लास देनी, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसमें भी प्रॉपर्टीज लगानी तो मैं इसे भी क्लास दे दूंगी। सिंपली यहाँ पे हमने किया। ओके, तो मैं यहाँ पे एक ऑर्डर लिस्ट में भी जो भी मुझके अंदर आपको जो कुछ भी टॉपिक लिखना है, जो भी आपको इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना है आप नॉर्मली वो टेक्स्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं।
तो मैं इसी को कॉपी करके पेस्ट कर लेती हूँ। मैं भी आपको जितने भी यहाँ पे टाइटल बार लेने हैं तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर रही हूँ, सिंपली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। उसके बाद में जो भी इसका टेक्स्ट है अंदर का, मैं यहाँ पे सिंपली इसका टेक्स्ट चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे हमने किया HTML, यहाँ पे मैं ले लूंगी CSS, और यहाँ हम ले लेंगे सिंपली जावा, और यहाँ मैं ले लेती हूँ JSTC भोपाल। सारी प्रॉपर्टी हम CSS की फाइल में जाकर के यहाँ पे लगा सकते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक या फिर एक और टेक्स्ट मे भी ले लेते हैं, जो भी मुझे टेक्स्ट और ऐड करना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूँगी, नेविगेशन के अंदर ही मैं ले रही, मैं भी बाहर नहीं लूँगी। तो मैं यहाँ पे एक और डिव क्लास ओपन कर रही हूँ, और यहाँ पे सिंपली मे भी हम एक कंटेंट ले लेते हैं। उसके बाद में मुझे यहाँ पे जो भी आपको इसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहाँ पे H1 में भी हेडिंग 1 के अंदर हम यहाँ पे कोई सा भी टेक्स्ट लिख देते। तो सिंपली मैंने यहाँ पे इंडिया कर दिया है। उसके बाद में आपको जिस भी चीज़ में लेके यहाँ पे लिंक लगानी है तो आप लिंक लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और लिंक टैग, मैं यहाँ पे वो टेक्स्ट लिख दूंगी, मैंने यहाँ पे किया JSTC भोपाल, डन। तो इसके बाद में सिंपली हम यहाँ पे क्या करेंगे, CSS की फाइल में जाएंगे, और CSS की फाइल में जो भी आपको प्रॉपर्टीज अप्लाई करना है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक नेविगेशन बार लिया है, तो यहाँ पे एक नेविगेशन बार हमने ओपन किया। तो सिंपली मैं इसमें प्रॉपर्टीज लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया नेविगेशन, कर्ली ब्रेसेस ओपन किया, और सिंपली जो भी इसकी आपको विड्थ रखनी है, मैं यहाँ पे इसकी विड्थ सेट कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे 100% ले लिया। जो भी आपको पोजीशन रखना है, मैं यहाँ पे पोजीशन एब्सोल्यूट कर दूंगी। उसके बाद में जो भी आपको टॉप से कितनी मार्जिन चाहिए, मैं भी आपको कहाँ से कितनी वैल्यू रखनी है, तो आप यहाँ से वैल्यू रख सकते हैं, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से। मैं यहाँ पे 0 पर वैल्यू कर दूंगी। साथ में जो भी आपको पैडिंग देनी है, आप यहाँ पे पैडिंग सेट कर सकते हो। मैं नॉर्मल यहाँ पे 20 पिक्सल दे देती हूँ, और यहाँ पे हमने दे दी 8%। इसके बाद जो भी आपको लिए डिस्प्ले रखनी है, मैं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले ले लेती हूँ। सिंपली फ्लैग्स हम यहाँ पे कर देंगे, और मे भी जो भी आपको अलाइन रखना है, इसका हम यहाँ पे अलाइन कर देते हैं सेंटर। उसके बाद में आपको जस्टिफाई कंटेंट करना है, तो मैं यहाँ पे जस्टिफाई कर देती हूँ। मे भी स्पेस हम डाल देंगे बिटवीन, सेट कर दी थी हमने, यहाँ पे सेट कर दिए हैं। उसके बाद में जो भी लोगो लेकर के रखा है, उसकी हाइट यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक नेविगेशन ले लेती हूँ। साथ में मैंने यहाँ पे, क्योंकि लोगो जो हमने इमेज ली है उसमें लोगो लेकर के रखा था, तो मैं नॉर्मल यहाँ पे इसकी विड्थ सेट कर देती हूँ। सपोज मैं यहाँ पे करती हूँ 80 पिक्सल, तो ये जो लोगो रहेगा वो 80 पिक्सल पे सेट हो जाएगा, इसकी जो विड्थ रहेगी वो। उसके बाद में जो भी आपने ऑर्डर लिस्ट वगैरह लेके यहाँ पे ले करके रखा है, मैं यहाँ पे उसमें भी प्रॉपर्टीज लगा दूंगी सिंपली। तो मैंने यहाँ पे लिया नेविगेशन, में भी ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट हमने लेकर के रखी थी, लिस्ट ले लिया, और साथ में यहाँ पे हम ले लेते हैं कर्ली ब्रेसेस। और जो भी इसकी लिस्ट का टाइप आपको रखना है, तो नॉर्मली हम इसका स्टाइल दे देते हैं लिस्ट का। हम कोई भी यहाँ पे वैल्यू लिख रखेंगे नहीं, जो भी आपकी लिस्ट है वो सारी हट जानी चाहिए। तो नॉर्मली मैंने यहाँ पे नॉन कर दिया है। जो भी लिस्ट का स्टाइल रहेगा, फिर इसकी जो डिस्प्ले आपको रखनी है, मैं यहाँ से इसकी डिस्प्ले सेट कर देती हूँ। सपोज मैं यहाँ से जो डिस्प्ले रहती है, हम यहाँ इनलाइन कर देते हैं। मैंने यहाँ पे किया है इनलाइन ब्लॉक। उसके बाद में जो भी आपको इसका फॉन्ट कलर रखना है, या फिर जो भी इसकी मार्जिन देनी है, मैं यहाँ पे सिंपली इसकी मार्जिन दे देती हूँ। सपोज मुझे इसकी जो मार्जिन होती है, वो भी मे भी लेफ्ट साइड से रखना है 40 पिक्सल, या फिर 40%, मे भी हम यहाँ पे पिक्सल में ही रखेंगे। उसके बाद में जो आपने एंकर टैग लेकर के रखा था, जो भी लिंक टैग यहाँ पे लेकर के रखा है, उसमें हम वैल्यू लगा देंगे। तो मैंने वापस से ले लिया नेविगेशन बार UL, और हमने यहाँ पे ले ली लिस्ट। साथ में हमने एंकर टैग में वैल्यूज डालनी, प्रॉपर्टीज डालनी, तो मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट का डायरेक्शन रहता है उससे सेट कर दूंगी
यहाँ पे हमने टेक्स्ट डेकोरेशन जो रहता है नॉन कर दिया, कोई डेकोरेशन इसमें होनी नहीं चाहिए। साथ में टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, मे भी हम इसका जो कलर रहता है वाइट रख लेते हैं सिंपली। और जो भी आपका फॉन्ट साइज रहता है, हम यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं। मैं यहाँ पे 80 पिक्सल कर देती हूँ, तो जो आपका फॉन्ट साइज होगा वो कुछ इस तरीके से 80 मेबी पिक्सल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे हमने एक कंटेंट लेकर के रखा था, तो मैं यहाँ पे कंटेंट में वैल्यू फिक्स कर दूंगी सिंपली। तो मैंने यहाँ पे किया कॉमा और कंटेंट, जो भी आपको टेक्स्ट यहाँ रखना है मैं यहाँ पे टेक्स्ट कर दूंगी अलाइन, मे भी सेंटर में कर देते हैं। उसके बाद में जो भी H1 आपने टैग लेकर के रखा है, मैं H1 में भी कुछ प्रॉपर्टीज लगा दूंगी। तो मैंने यहाँ पे वापस से किया कंटेंट H1, और यहाँ पे जो भी आपको इसका H1 का फॉन्ट साइज रखना है, जो भी लिख वैल्यू प्रॉपर्टीज यहाँ पे लगानी है आप वो लगा सकते हो। मैं यहाँ पे 150 पिक्सल रख देती हूँ। जो भी आपको यहाँ पे कलर अप्लाई करना है अपने H1 टैग में वो आप कलर अप्लाई कर सकते हो। मैं यहाँ पे वाइट कलर ही देना प्रेफर करूंगी। साथ में जो भी आपका फॉन्ट की जो विड्थ रहती है, मैं यहाँ पे फॉन्ट की विड्थ सेट कर देती हूँ। सपोज यहाँ से मैंने ले लिया 6, मे बी 600 ले लेते हैं। उसके बाद में जो भी आपका कंटेंट रहेगा जो एंकर टैग के अंदर लिखा है, तो हम उसमें कुछ प्रॉपर्टीज सेट कर देते हैं। सिंपली मैंने यहाँ पे कंटेंट ले लिया। इसके बाद में सिंपली जो भी आपका डेकोरेशन रहता है, मैं इसमें इसे भी डेकोरेशन को टेक्स्ट के डेकोरेशन को नॉन कर दूंगी। उसके बाद में जो भी आपकी डिस्प्ले रहती है, आप अपने हिसाब से डिस्प्ले सेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसकी जो डिस्प्ले रहेगी, मे भी हम इनलाइन ब्लॉक कर देते हैं। ओके, जो भी आपको इसका कलर रखना है, तो मैं यहाँ पे इसका कलर दे देती हूँ। मुझे इसका कलर भी वाइट ही रखना है, तो मैं इसमें भी वाइट कलर अप्लाई कर दूंगी। जो भी आपको इसका फॉन्ट साइज अप्लाई करना है, तो मैं यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज अप्लाई कर दूंगी। मे भी हम यहाँ पे जो फॉन्ट साइज होता है 25 पिक्सल रख देते हैं। उसके बाद में जो भी आपको बॉर्डर देनी है, बॉर्डर का कलर जो भी आपको देना है, तो मैं यहाँ पे इसका बॉर्डर दे देती हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे जो बॉर्डर रही थी 22 पिक्सल किया। और जो भी आपको कलर इसमें देना है, मैं यहाँ पे इसका कलर सेट कर दूंगी। हम इसमें भी वाइट कलर अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद में जो भी आपको सेटिंग यहाँ पे देनी है, मैं भी पैडिंग यहाँ पे देनी है, तो हम यहाँ पे पैडिंग अप्लाई कर डाल देते हैं। मैंने यहाँ पे दिया पैडिंग, मे भी हम यहाँ पे 14 पिक्सल देते हैं पैडिंग, और मे भी 30 पिक्सल। उसके बाद में जो भी आपको बॉर्डर की रेडियस रखनी है, मैं यहाँ पे बॉर्डर रेडियस रख दूंगी। हम मुझे यहाँ पे गोल शेप में चाहिए था, तो सिंपली हम यहाँ पे इसकी 50% कर देते हैं। मैं भी 50% किया। उसके बाद में जो भी आपको इसको मार्जिन देनी है टॉप से बॉटम से, आप इसकी मार्जिन अप्लाई कर सकते हो। सपोज मुझे यहाँ पे टॉप से करनी है 20 पिक्सल, तो ये क्या होगा, टॉप से 20 पिक्सल जो मार्जिन रहती है वो यहाँ पे सेट हो जाएगी। इसके बाद में मुझे यहाँ पे जो भी वीडियो रहता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसमें वीडियो अप्लाई करना था, तो सिंपली हम वापस से HTML की फाइल में ही जाएंगे। और जो भी आपने लिख वीडियो लेकर के रखा है, हम यहाँ पे इसका वीडियो अप्लाई कर देंगे। तो सिंपली हीरो के नीचे, मे भी नेविगेशन के नीचे ही हम यहाँ पे ले लेते हैं वीडियो। मैंने यहाँ पे ले लिया वीडियो SRC, मे भी हम यहाँ पे वीडियो को ऑटो प्ले करने वाले, तो मैं यहाँ पे ऑटो प्ले कर देती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे लूप हम म्यूट कर देते हैं वीडियो को, कि जो हमारा वीडियो रहेगा एक तो म्यूटेड रहेगा, और प्ले करते हैं इनलाइन। साथ में हम इसे क्लास दे देंगे ताकि आगे चल के इसमें मैं प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकूँ। आप कोई भी लेकिन यहाँ पे नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे बैक वीडियो कर देती हूँ। उसके बाद में जो भी आपके वीडियो का सोर्स है, तो हम यहाँ पे सोर्स दे देंगे SRC इक्वल किया, और मेरा जो वीडियो था उसका नाम माधव .MP4। तो जो आपका वीडियो होगा वो कुछ इस तरीके से स्क्रीन में अप्लाई हो जाएगा। साथ में जो भी इसका टाइप रखना है, तो मैं इसका टाइप दे देती हूँ वीडियो।
स्लैश यहाँ पे MP4 है, तो मैंने यहाँ पे इसका दे दिया MP4। ओके, तो जो आपका वीडियो है वो कुछ इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। सिंपली मुझे यहाँ पे वापस से CSS की फाइल में जाना है, और जो भी आपका वीडियो रहता है, बैक वीडियो जो यहाँ पे रहेगा, मैं सिंपली इसमें प्रॉपर्टीज अप्लाई कर देती हूँ। जो भी आपके इसकी पोजीशन रखना है, मैं यहाँ पे इसकी पोजीशन सेट कर देती हूँ। मैं भी हम यहाँ पे एब्सोल्यूट करते हैं। राइट साइड से दे देते हैं। ओके, तो जो आपका वीडियो होगा वो कुछ इस तरीके से अप्लाई हो जाएगा वेबसाइट के ऊपर ही। किसी भी मे बी वेबसाइट के बैकग्राउंड में किसी भी वीडियो को अप्लाई कर सकते हैं कुछ इस तरीके से।